सर ये कार्य हम लोग 2 साल से कर रहे हैं। यहाँ पर जो है असहाय चोटिल गाय को हम लोग जैसे एक्सीडेंट हो गया उसको लेकर आते हैं, यहाँ उनकी सेवा करते हैं, दवा करते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसको यहीं रखे रहते हैं, खाना पीना चारा सब कुछ देते हैं जी। और कभी कभी सब्जी लाना हुआ और बहुत सी चीज़ें लाते हैं, ठंडी में गुड़ लाते हैं, उसी तरह इन लोगों की सेवा का होती है। आज सर क्या कार्यक्रम था ये? आज का कार्यक्रम रत्ना मैम की तरफ से था। रत्ना मैम ने जो है 4 क्विंटल फोड़ा गऊ के लिए दिया है, दान किया है, और एक बोरी चोकर उन्होंने दिया है, और बिस्किट वगैरह दी हैं, और सभी लोग यहाँ आए हुए हैं गौ की सेवा करने। आज यहाँ पे हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था कि जब हम लोगों को पता लगा कि लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन कारण इन जो गाय हैं, जो यहाँ पे 2 बच्चे हैं सुजीत और अंकित, ये लोग बहुत सेवा करते हैं, तो हम लोग की भी इच्छा हुई कि हम लोग इन जानवरों के लिए कुछ हम लोग अपनी तरफ से इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट की तरफ से कुछ इन लोगों के लिए हम लोग सेवा करें। तो सड़क पर जो गाय होती हैं उन लोगों को तो हम लोग रोटी वगैरह खिला देते हैं, लेकिन हम लोग की एक इच्छा हुई तो हमारा पूरा क्लब है और मेडिकल स्टेशन के लालू भैया हैं और ये लोग सब लोग मिलकर हम लोग यहाँ पर आए और हम लोगों ने यहाँ पे गायनों के लिए 3-4 क्विंटल कोहड़ा बिस्किट और चारा चोकर हम लोगों ने यहाँ पे दिया और आकर इतनी खुशी हुई इन लोगों को देखकर। सारी चोटिल गाय हैं और इतने निष्ठा भाव से, इतने दिल से ये लोग दिन रात इन जानवरों की सेवा करते हैं, तो हम लोग को भी लगा कि एक हमें भी मौका मिलना चाहिए और हम लोग आए और इनके साथ में हम लोग को आज बहुत ही कहते थे ईश्वरी एक अनुभव हुआ कि इन हम लोगों ने जानवरों के साथ में आकर थोड़ा समय व्यतीत किया, इनको अपने हाथ से खिलाया, बहुत खुशी हुई। तक तो हम लोग लोगों की ही सेवा कर रहे थे, लेकिन फिर ध्यान में आया कि ये बेजुबान जो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं अपने मुँह से, इनकी क्या ज़रूरत है, और इनकी भी सेवा उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हम नर की और लोगों की सेवा करते हैं। तो इन बेजुबानों का ख्याल करने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। इसमें बहुत सी गायें चोटिल हैं, किसी को इन्फेक्शन है, किसी का पैर कटा है, किसी को कीड़े लगे हैं, तो दवाइयाँ और इनर व्हील क्लब की तरफ से भी कोहड़े बिस्किट्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर दिए और दे के मन में जो शांति हमें महसूस हो रही है, जो अच्छा लग रहा है, निश्चित रूप से मैं कुछ शब्दों में नहीं कह सकता हूं। और मेरा तो यही कहना है कि सभी को जो हमारे बेजुबान जानवर हैं आसपास, जो कुत्ते हैं गाय हैं, उनका भी हमें इस लॉकडाउन के पीरियड में पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बेचारे अपने मुंह से कुछ नहीं बोल सकते हैं और उनकी भी आवश्यकता है। बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, पंछी भी जो है सुबह 3 बजे उठ जा रहे हैं, 2 बजे उठ जा रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, तो इनकी भी मनोदशा को समझते हुए हमें इनकी भी सेवा करनी चाहिए।